कानपुर से लगातार और निरंतर लफ्जियात के मामले सामने आते जा रहे हैं जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। नाबालिग किशोरियों ने खुलासा किया है कि उनके साथ में किस तरीके से लफ्जियात को अंजाम दिया गया। पहले युवक ने अपना हिंदू नाम बताकर लड़की से शादी किया, शादी के रात उससे वो तीन शब्द कहने के लिए बोला, जब उस युवती ने नहीं बोला तो उसको प्रताड़ना भी दी। आखिरकार उस लड़की को ये बात कहनी ही पड़ी। फिर लगातार मामले जो कानपुर से सामने आ रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। आइए डालते एक और मामले पर नजर, लफ्जियात के किस तरह से लफ्जियात को अंजाम दे रहे हैं युवक कानपुर में। फतेह खान बना आर्यन मुख्तार ने राहुल नाम बता नाबालिग किशोरियों को प्रेम जाल में फंसाया, माइंड वॉश कर उसे भड़काया। कानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले की जांच में पता चला है कि आरोपी नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे। एसआईटी जांच में सामने आए 11 में से 8 मामलों में पीड़िता किशोरी हैं। पुलिस ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है, इसलिए आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म की धारा भी लगाई गई है। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि अधिकतर केसों में पीड़िता नाबालिग हैं। आरोपी नाबालिग किशोरियों को अपने जाल में फंसाते थे, किसी तरह का लोभ व लालच देकर शादी करते थे, उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे। जब किशोरियों ने विरोध किया तो उनको मारा पीटा और प्रताड़ित किया। यही नहीं, आरोपी पीड़िताओं का माइंड वॉश भी करते थे, दूसरे धर्मों के बारे में भड़काते थे। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में ये सब कबूला है। वहीं पीड़िताओं ने कोर्ट में बयान भी दिए। आईजी के मुताबिक नौबस्ता के एक मामले में फतेह खान ने अपने नाम आर्यन मल्होत्रा बताया। ओवैश ने अपना नाम बाबू व नौबस्ता के ही मुख्तार अहमद ने खुद का नाम राहुल बताया था। लड़कियां इनके झांसे में आ गईं। पीड़िता ने बताया कि बाबू ने शादी के बाद उसे अपने धर्म के बारे में बताया, उससे तीन शब्द बोलने कहा। उसका कहना था कि जब तक तुम ये तीन शब्द कहोगी तो मुस्लिम बन जाओगी। जबरन कहलाने का प्रयास भी किया। पुलिस की जांच में आरोपियों का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया। आरोपियों ने जिन जिन नामों का दावा कर पीड़िताओं को जाल में फंसाया था, उन नामों से संबंधित इन सभी ने कुछ ना कुछ दस्तावेज बनवा रखे थे। नाम बदल कर मिलने वाले तीनों आरोपियों ने बदले हुए नाम से आधार कार्ड बनाया था। वहीं निकाह नामा व कोर्ट मैरिज के दस्तावेज भी फर्जी पाए गए, जिनको जांच में साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने शामिल किया है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।